दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज मोबाइल से रिलेटेड और कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड। दोस्तों, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊँगा। जब भी आप कभी कोई नया मोबाइल या कोई लैपटॉप लेने जाएंगे, तो इसके अंदर ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी किसी भी नए कंप्यूटर या मोबाइल को लेने के लिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल टेक्निकल अप पर आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक सही नॉलेज, कुछ ऐप्स के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट जो टिप्स होती हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है शरद। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपने देखा होगा, ये क्या चीज़ है? तो आप सब जान रहे होंगे, ये एक बिस्कुट है, करेक्ट? तो दोस्तों, आपने ये तो समझ लिया ये बिस्कुट है, लेकिन इसी के सिमिलर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे नीचे रख देता हूँ। दोस्तों, जब आप अपने किसी रिलेटेड के लिए या किसी फ्रेंड के लिए या अपने लिए कोई नया मोबाइल या लैपटॉप परचेस करने जाते हैं, तो जब भी आप जाते होंगे तो आप उससे बोलते हैं कि मुझे लैपटॉप या मोबाइल चाहिए। तो जो सेल्स बॉय होता है तो वो आपको बताता होगा, सर इसके अंदर ये प्रोसेसर है, इसके अंदर ये कोर है, इसके अंदर ये जनरेशन है, इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। तो मतलब आपने ये सारी चीज़ें सुनी तो हैं, ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है या कुछ भी मीडियाटेक है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आपने ये सारी चीज़ें टर्म्स तो सुनी है, बट आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो मैं आज आपको इन सब के बारे में बताऊंगा, जो आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे लेटेस्ट से लेटेस्ट और अपग्रेड वर्जन इन सब चीज़ों का, प्रोसेसर, लैपटॉप या मोबाइल का परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वालकॉम नाम की एक कंपनी है जो प्रोसेसर को बनाती है। तो वो पहले एक ऐसे ही कोई नंबर रहता था प्रोसेसर का, 213 या कुछ भी मान लीजिए, वो अपना एक प्रोसेसर बनाती थी और मार्केट में डाल देती थी। इंटेल भी बनाती है, सैमसंग भी बनाती है, सभी लोग बनाते हैं। तो लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक स्नैपड्रैगन नाम की एक सीरीज़ बनाई। ये ऐसे ही है जैसे सैमसंग मोबाइल बनाता था, सैमसंग गुरु, सैमसंग डैश डैश डैश, बहुत सारे मोबाइल बनाता था। फिर सैमसंग ने क्या करा, एक सीरीज़ बनाई जिसका नाम रखा गैलेक्सी। ऐसे ही क्वालकॉम ने प्रोसेसर बहुत बनाए, लेकिन फिर उन्होंने एक नाम रख दिया स्नैपड्रैगन। उसके अंदर फिर ये स्नैपड्रैगन 814, स्नैपड्रैगन 825, अभी जो रिसेंटली चल रहा है स्नैपड्रैगन 888, 888 है जो लेटेस्ट प्रोसेसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा कि स्नैपड्रैगन कोई कंपनी नहीं है, स्नैपड्रैगन एक सीरीज ऑफ प्रोसेसर का नाम है। दूसरा, अब आपने सुना होगा कि इसके अंदर कोर, सर ये सिंगल कोर है या ड्यूल कोर है, ये क्वाड कोर है, ये ऑक्टा कोर है या मल्टी कोर है। तो ये आपने सुना होगा, कोर शब्द आपने बहुत सुना होगा। तो जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो बिस्कुट के साइज़ का होता है, उसके अंदर बहुत सारे, दोस्तों आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आपको पता चलेगा, उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, करीब मिलियंस ऑफ बिलियंस ट्रांजिस्टर होते हैं। तो ये जो होता है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए इसमें काम बहुत तेज़ी से होता है, ये ट्रांजिस्टर का काम होता है। तो दोस्तों, आपको जो कोर जो मैं बता रहा हूँ, पहले सिंगल कोर आते थे, पहले इतना ही जो साइज है प्रोसेसर का, मैंने आपको बताया बिस्कुट के साइज़ का, वो उतना ही रहता है। लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम नैनो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो ट्रांजिस्टर थे वो काफ़ी दूर दूर लगे होते थे, तो वो बड़े भी होते थे। तो फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, साइज कंपोनेंट का छोटा हुआ, तो क्या हुआ, वो जो ट्रांजिस्टर थे वो पास पास में सट गए, सारे के सारे पास पास में लगाए गए, साइज छोटा हुआ। तो जो प्रोसेसर होता है उसमें जगह जो था, स्पेस था, वो कम यूज़ हुआ और बाकी स्पेस बच गया। तो फिर उसको उन्हें यूटिलाइज करने के लिए उसमें ड्यूल कोर कर दिए प्रोसेसर के अंदर। तो अब इससे क्या हुआ, हमारा प्रोसेसर अपग्रेड हो गया और वो अब और तेज़ी से काम करने लग गया। पहले सिंगल कोर था, अब उसमें ड्यूल कोर हो गया, तो वो तेज़ी से काम करने लग गया। इसी तरह और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और ज़्यादा कुछ हुआ, तो ड्यूल कोर से फिर वो क्वाड कोर बन गया, चार कोर में बन गया। मतलब ये एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए इस कमरे में मैं अकेला हूँ और मैं बहुत मोटा हूँ, मुझसे कोई कहे आपको पढ़ना है, लिखना है, बोलना है और आपको सुनाना भी है,
तो अब मेरे को इस सारे प्रोसेस को मेरे को ही करना है, तो इसमें मैं पहले पढ़ूंगा, फिर लिखूंगा, फिर बोलूंगा, फिर सुनूंगा, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसी कमरे के अंदर मेरे जैसे चार लड़के पतले पतले हों, वो बैठ जाएं, अब एक से कह दिया जाए आपको याद करना है, आपको लिखना है, आपको सुनना है, आपको बोलना है, तो ये जो चार काम है वो एक ही टाइम पे और बहुत तेज़ी से एफिशिएंट तरीके से हो जाएंगे। तो यही जो काम है प्रोसेसर के अंदर, पहले सिंगल कोर में टाइम लगता था, फिर ड्यूल कोर आया, फिर क्वार कोर आया चार कोर के साथ, फिर उसके बाद भी और जो नैनो टेक्नोलॉजी आई तो उसके बाद क्वाड कोर के बाद ऑक्टा कोर आया, अब जो आ रहा है मल्टी कोर आ रहा है। अब क्वाड कोर के बाद आप सोचेंगे ऑक्टा कोर आया, ऑक्टा कोर के बाद 16 कोर, नहीं, अब जो कोर आ रहे हैं वो उनको मल्टी कोर ही बोलते हैं। तो ये कोर का आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी, पहले जो टेक्नोलॉजी थी दोस्तों वो ट्रांजिस्टर में, जो ट्रांजिस्टर लगे हुए थे वो दूर दूर लगे हुए थे, कंपोनेंट भी बड़े थे, फिर नैनो टेक्नोलॉजी आई तो 823 ट्रांजिस्टर उसके बीच की दूरी 823 नैनोमीटर होती थी, फिर उनको घटाई गई और कम की गई, फिर 40 नैनोमीटर हो गई, फिर और कम की गई, बिल्कुल पास पास कर दिए गए, बारीक बारीक से कंपोनेंट लगा के और नैनो ट्रांजिस्टर बनाया गया और बिल्कुल पास पास में, तो फिर वो 7 नैनोमीटर पे आ गई। अब जो आगे आने वाली वो 5 नैनोमीटर की होगी तो और पास हो जाएगी और बहुत तेज़ी से काम करेगी। ये नैनो टेक्नोलॉजी ने प्रोसेसर को बहुत अच्छा कर दिया, जिससे वो छोटे ट्रांजिस्टर को बहुत बिलियंस ऑफ बिलियंस लगे रहते हैं उसके अंदर, जिससे वो अपनी प्रोसेस को बहुत तेज़ करते हैं। तो दोस्तों आप एक ये चीज़ समझ गए होंगे कि कोर क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ जनरेशन, आपने सुना होगा कि मेरा जो प्रोसेसर है वो 7 जनरेशन है, मेरा प्रोसेसर वो 9 जनरेशन है, मेरा प्रोसेसर है जो 10 जनरेशन है। जनरेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी मैंने कोई चीज़ बनाई, मान लीजिए मैंने कोई सब्ज़ी बनाई, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अब उसमें नमक कम है तो फिर मैंने उसमें नमक ऐड करके उसको और स्वाद बनाया, तो अभी जो पहले बनाई थी वो सब्ज़ी अब वो उससे और बेहतर है, तो ये अब सेकंड जनरेशन हो गया। अब मान लीजिए उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया तो अब वो थर्ड जनरेशन है, वो और अपग्रेड स्वाद हो गया। ऐसे ही सेम इनमें होता है प्रोसेसर में, पहले प्रोसेसर बना फर्स्ट जनरेशन तो वो सिर्फ अभी वीडियो कॉल नहीं कर पाता था, सिर्फ कॉलिंग कर पाता था, फिर उसके बाद एक प्रोसेसर और आया उसमें सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि आप उसके अंदर मैसेज के साथ कॉल भी कर सकते हैं, फिर एक थर्ड जनरेशन और आया तो उसके अंदर आप व्हाट्सअप भी चला सकते हैं, फोर्थ जनरेशन आया तो यूट्यूब और व्हाट्सअप साथ चला सकते हैं। इस तरीके से जो प्रोसेसर होता है उनके अंदर जो कमियाँ होती हैं उनकी, मान लीजिए वो उसके अंदर हैंग की प्रॉब्लम आ रही है या किसी तरह से वो गर्म हो रहा है या प्रोसेसर को वो 4-5 ऑपरेशन साथ नहीं कर पा रहा है, तो उन सब कमियों को दूर करके फिर उसकी जनरेशन को अपग्रेड कर दिया जाता है, 7 जनरेशन 10 जनरेशन ऐसे अपग्रेड होते हैं। तो ये जनरेशन जो होती हैं वो उनकी क्लास को बढ़ा देती हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे किसी का प्रोसेसर है 4 क्वाड कोर है और 10 जनरेशन है, किसी का प्रोसेसर ऑक्टा कोर है लेकिन उसका जनरेशन 3rd है मान लीजिए, तो अब कौन सा आप कहेंगे कौन सा ज़्यादा तेज़ है? तो दोस्तों उसका क्वाड कोर प्रोसेसर है लेकिन जनरेशन उसकी 10 है, जनरेशन ज़्यादा है लेकिन उसका प्रोसेसर ऑक्टा कोर है और लेकिन जनरेशन उसकी कम है, तो आप कहेंगे जनरेशन 4th जनरेशन वाला और 10th जनरेशन वाला ज़्यादा इफ़िशियंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोर उसके अंदर 8 हैं, 8 लोग काम करने वाले हैं उसके अंदर और इसके अंदर 4 लोग काम करने वाले हैं। जनरेशन उसकी 10 बेशक है लेकिन इसकी जनरेशन 3rd है, लेकिन उसमें ज़्यादा लोग हैं और वो ज़्यादा अब अच्छे तरीके से काम करेगा, इसलिए 8 जो कोर है ऑक्टा कोर वो ज़्यादा एफिशियंट है। तो अब आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। अब आते हैं हम जनरेशन हो गया 7 nm टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताई थी नैनो टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों प्रोसेसर क्या चीज़ होती है, सबसे आपने सुना होगा प्रोसेसर क्या चीज़ होती है, तो प्रोसेसर आपने पढ़ा भी होगा बच्चों ने या लोगों ने सुना भी, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको नहीं भी मालूम होता, तो मैं आपको बता दूँ प्रोसेसर के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है CU और एक होता है मेमोरी। ऐसे जो प्रोसेसर होता है वो एक तरीके से ब्रेन होता है, समझ लीजिए आपके मोबाइल का या किसी लैपटॉप का या कंप्यूटर का, जैसे हमारे दिमाग में होता है सेम वही हमारा दिमाग, जैसे हमारे बॉडी के हर फंक्शन को मूव करता है, जैसे हमें अगर हाथ चलाना है तो हमारा ब्रेन हाथ को कमांड देगा, उसको कंट्रोल करेगा, सब कुछ करता है। सेम अगर हमें आँख से कुछ देखना है तो वो सब ब्रेन कर रहा होता है, सेम ऐसे ही जो काम होता है वो उसके अंदर प्रोसेसर करता है। अब मान लीजिए
आपको कोई मूवी देखनी है, आपने स्पीकर लगाए और आपने उस पर क्लिक करके मूवी लगा दी, तो स्पीकर में आवाज़ भेजना है तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? तो उसके अंदर जो प्रोसेसर होती है, उसके अंदर सीयू जो मैं बता रहा हूँ कंट्रोल यूनिट होती है, वो ये सब प्रोसेस करती है कि स्पीकर में आवाज़ जानी चाहिए, स्क्रीन पे वीडियो दिखना चाहिए, अगर माइक है तो उसमें मैं बोलूँगा तो वो आवाज़ जानी चाहिए सामने वाले के पास, अगर कोई प्रिंटर जुड़ा है उससे तो प्रिंटर से प्रिंट होना चाहिए, ये सब कंट्रोल यूनिट काम करती है। मतलब ये जितने भी हार्डवेयर होते हैं मोबाइल से कनेक्टेड होते हैं या मोबाइल में होते हैं उन सबको कंट्रोल करती है, जैसे कोई टॉर्च है तो टॉर्च कब जलनी है, फ्लैश कब जलनी है, ये सब चीज़ें कंट्रोल यूनिट का काम होता है जो प्रोसेसर के अंदर होती है। अब आपने सुना होगा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, जैसे हमारा दिमाग है कैलकुलेशन तो वो भी करता है, वो भी एक प्रोसेसर की ही तरह काम करता है, प्रोसेसर ही वो अपने शरीर का। तो जैसे मैं आपसे बोलूँ 2 + 2 कितने होते हैं, तो आपके दिमाग ने कैलकुलेट किया होगा, इस प्रोसेस की होगी और तुरंत आप आंसर दोगे 4 होता है। फिर मैं कहूँ 4 + 4 कितने होते हैं, आप कहेंगे 8 होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 16 × 2 कितना होता है, तो आप थोड़ा सोचेंगे फिर आप जवाब देंगे, प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगे। अब मैं आपसे यही कहूँ 200 + 200 + 200 कितना होता है, तो अब आप सोचेंगे, आप कैलकुलेटर का भी यूज़ करेंगे, उंगलियों का भी यूज़ करेंगे, लेकिन आप प्रोसेस तो करेंगे थोड़ा स्लो हो जाएगा। लेकिन ये काम जो मोबाइल में और कंप्यूटर में होता है ये बहुत तेज़ी से होता है, अब हमको ये दिखता नहीं है, इसी को वो प्रोसेस बहुत मिनटों में सेकेंडों में कर लेता है, इसलिए वो हमसे तेज़ होता है। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को सॉल्व करता है वो प्रोसेसर, उसके अंदर ये तेज़ी से होता है बहुत। दूसरा होता है दोस्तों मेमोरी, जैसे हमारी मेमोरी दिमाग की मेमोरी होती है, जैसे हम कोई चीज़ याद करते तो ऐसा नहीं है कि हमारी मेमोरी याद नहीं कर पाती, करती है लेकिन वो धीरे धीरे डाउन होती जाती है समय के साथ, एज के साथ। लेकिन जो मोबाइल और कंप्यूटर होती है उनके अंदर भी मेमोरी होती है, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, अब हमें 50 साल पहले की बात याद नहीं होगी, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये सारा डाटा पड़ा होता है, प्रोसेसर के अंदर पड़ा होता है। जैसे आपने कोई सर्च किया लाल किला गए, तो उसके अंदर जो डाटा पड़ा होगा ना, वो आप 50 साल वाले का 100 साल वाले भी सर्च करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो हाल आपको फोटो निकाल के दे देगा, उसकी मेमोरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपसे कोई 50 साल पुरानी बात पूछेंगे तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। तो ये जो मेमोरी जो होती है ना, वो प्रोसेसर के अंदर चीज़ों को सेव करके रखती है। तो दोस्तों अब आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, मैंने आपको स्नैपड्रैगन के बारे में बताया, कोर क्या होती हैं दोस्तों, NM टेक्नोलॉजी क्या होती है, जनरेशन क्या होती है, प्रोसेसर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होंगी। अब आप जब भी अपने लिए या किसी दोस्त के लिए या किसी रिलेटेड के लिए भी मोबाइल या लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं तो मेरे को लगता है कि जो मैंने ये सारी जानकारी आपको दी ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, आपको ये चीज़ों को ख़रीदने के लिए। कौन सा आप पता कर सकेंगे कि जनरेशन का लैपटॉप अभी रिसेंटली आया हुआ है, ये आप समझ जाएंगे और आप ये नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा, जैसे आप अभी मोबाइल तो चला रहे होंगे या लैपटॉप भी चला रहे होंगे, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके मोबाइल का जो प्रोसेसर है या कंप्यूटर का या लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन का है, कितनी कोर है उसके अंदर, किस कंपनी का है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों अगले टॉपिक के साथ फिर मैं आऊँगा, आप अगर कोई टॉपिक मुझसे देखना चाहते हैं या उस पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की, ताकि मैं आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझा सकूँ।